हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यार, आई वाज थिंकिंग कि रात को मुझे 4 बजे नींद आई है, और उससे पहले मैंने बड़ी कोशिश की मुझे नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आई। जब मैंने रात को व्लॉग एंड किया अपना पिछले वाला डिनर करने के बाद, देन आई वाज थिंकिंग कि 1-2 घंटे में नींद आ जाएगी, बट उसके बाद मैं लेटा रहा। फिर मैंने उठ के वीडियो भी एक एडिट कर ली, उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आई। 4 बजे नींद आई। बाय द वे, अभी हम इस मील को ख़त्म करेंगे, और हमने जो रात को एडिट की थी वीडियो 2-2.5 बजे, वो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी मैं ट्राई करूँगा कि जाने से पहले पब्लिश करके जाऊँ। बिस्मिल्लाह। सो योर ब्रदर इज़ रेडी नाउ। अभी हमारे कमरे में शीशा होता तो यार इसमें दिखाते हैं, भाई भाई के कमरे में आना पड़ता है हर बार दिखाने के लिए, तो उसका भी जल्दी जुगाड़ करेंगे। तो योर ब्रदर इज़ वेयरिंग दिस प्रिंस कोट से माशाल्लाह, एंड आई एम वेयरिंग दिस टाइट ब्लैक जीन्स प्लस डोन कार्लोस के शूज़ आपने भाई ने पहने हुए हैं। तो आई होप के मुझसे वीडियो पक्की नहीं सही बन रही, तो जब भी मौका मिला तो मैं अच्छी वीडियो बनाऊँगा। तो आई होप आई एम लुकिंग गुड। नाउ आई एम जस्ट अबाउट टू लीव। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कमरे में हर चीज़ बिखरी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे यार आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे एक मिरर होना चाहिए बड़ा सा, जिसके आगे खड़ा हो के आपका भाई रेडी शेडी हो जाए, और वीडियो शेडियो भी बनानी हो ड्रेसिंग की तो उसमें बना सकता है बंदा। तो अभी निकलते हैं जल्दी से, देखते हैं क्या सीन है। सो आई एम फाइनली बैक होम। अभी दो चीज़ों की बैटरी लो है, एक मेरी अपनी और दूसरा कैमरा की। तो बेसिकली कैमरा की बैटरीज जो है वो रात को ही लो हो गई थी, रात को ही बैटरीज लो थी। अभी मैं जिस बैटरी पे शूट कर रहा हूँ, जो कैमरा में अभी है, शूट तो कैमरा पे कर रहा हूँ, तो जो बैटरी इस कैमरे में अभी डाली है वो 23% है, और जो मैंने चार्जिंग पे लगाई है अभी जो पहले इस कैमरे में थी वो 2% है। तो सारा दिन घर पे नहीं थी तो इसलिए चार्ज नहीं की, रात को भी मैंने कोई ज़्यादा गौर नहीं किया। बाकी अभी बैटरी चार्ज करेंगे और कपड़े चेंज करेंगे, देन वी विल लीव होम फॉर द जिम। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने वहाँ पे क्या खाया था, और अभी मुझे प्री वर्कआउट में कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दिल नहीं कर रहा और आई थिंक जगह भी नहीं होगी। बाकी इतना कोई ब्लोटिंग वाला सिस्टम तो नहीं है। अभी मैंने घर आके एक ग्लास पानी का भी पी लिया है, तो वो भी थोड़ा सा वाटर आ गया है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ अपनी मील जो मैंने वहाँ पे खाई है, अबू बकर ब्रात, ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है। तो इसमें मैंने एक नान खाया था, ठीक है, जिसमें 250 कैलोरीज मुझे मिली थी। उसके बाद चिकन खाया था कुक्ड जो कि शादी ब्याह पर होता है, देग का चिकन बना हुआ, तो वो तकरीबन आधा किलो 500 ग्राम खाया था मैंने। उसमें से मिली हमें 443 कैलरीज, जो कि टोटल हो गई 693 कैलरीज। इसमें हमें टोटल मिले हैं अप्रोक्स 50 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 9.3 ग्राम फैट, 101.3 ग्राम प्रोटीन। प्रोटीन इसमें काफ़ी ज़्यादा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी मील में 59% प्रोटीन का रेशो है, तो उसकी वजह से हमारी प्रोटीन इनटेक भी काफ़ी हद तक पूरी हो गई है, और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन हमारे पूरे पूरे जा रहे हैं, फैट्स काफ़ी कंट्रोल्ड है। और मैंने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की है आज, तो जो कि मैं सुबह आपको बताना भूल गया था, कि अगर आपकी बॉडी में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी कम है, देन उसकी वजह से भी आपकी स्लीप सफ़र कर सकती है। जस्ट लाइक मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, उसकी पहली वजह तो आई थिंक यही थी कि उस कल मैंने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड रखे थे। इवन के मेरे कल कार्बोहाइड्रेट्स 100 भी क्रॉस नहीं किए थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ है,
तो कल का व्लॉग अगर आपने देखा तो वहाँ पे तो मैंने बताया हुआ है 68 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स टोटल मैंने लिए थे और 21 ग्राम फैट था, 21 ग्राम। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स प्लस फैट कम है देन योर स्लीप कैन सफ़र। और प्री वर्कआउट तो फिर उसमें ज़रा अपना हाथ और मसाला डाल ही देगा, तो दिस इज़ द रीज़न यू आर नॉट गेटिंग दी स्लीप वेल। तो अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स पे भी काम करेंगे, एटलीस्ट हम उतने कार्बोहाइड्रेट्स पूरे करने की कोशिश किया करेंगे जितने हमने यहाँ पे माय फिटनेस पाल में गोल सेट किया। जस्ट लाइक 177 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मुझे चाहिए एक दिन में, ये मेरा गोल है। तो मैं प्रोटीन के साथ साथ इसे भी पूरा करने की कोशिश करूँगा। इतनी रोजा रोजा रख के फिर जाया करांगे रस्ते ठीक है। यही मोटिवेशन है। ये मैंने नया है गली है पहली इतनी गंदी बो आ गई। अभी मुझे तो मुझे रहती जिम अभी प्री वर्कआउट पर तारे मेरे तेल दी बो आ गई। राइट नाउ वी आर एट द जिम और अभी हम प्री वर्कआउट प्लस कॉफी पी रहे हैं। भाई आज हमारा वर्कआउट बाइसेप का है। तो भाई आप कौन सी लगाओ? बाइसेप लगाऊंगा। स्वागत भाई भी यार हमसे मांग रहे हैं प्री वर्कआउट पिला दो भाई, प्री वर्कआउट पिला दो। तो पिला दे फिर आप बताओ कमेंट में इनको प्री वर्कआउट पिला दे। ये एक स्कूप गया क्योंकि आज ताकत भाई को भी दे रहा है, गरीबों को भी तरस खाना चाहिए। इसके साथ हमने कॉफ़ी मिक्स कर ली है। भाई अभी हमने खट्टा बना लिया। कैमरा मेरी सेहत के हिसाब से मैं पानी पा के अंगाल के पी रहा हूँ भी हट कर। सफर कर लिया अगर भाई एक मिनट यार। सो वी आर डूइंग सुपर सेट ऑफ 3 एक्सरसाइजेस। बारबल कर्ल्स इसके साथ हम लगा रहे हैं, बेंट ओवर इजी बार बारबल कर्ल्स, और थर्ड एक्सरसाइज है प्रीचर कर डंबल दोनों हाथों के साथ पकड़ के। इन तीनों एक्सरसाइजेस को सुपर सेट करके लगाएंगे।
डंबल पहले हम तीन वेरिएशंस कर रहे हैं बाइसेप कर्ल्स की, उसमें पहली है लाइंग डाउन बाइसेप कर्ल्स, दूसरी है सिटिंग बाइसेप कर्ल्स, तीसरी स्टैंडिंग बाइसेप कर्ल्स, उसके बाद देन हम बाइसेप आर्म कर्ल्स भी लगा रहे हैं सिटिंग, और उसके साथ क्रीचर कर्ल लगा रहे हैं। ये काफ़ी सारी एक्सरसाइज का मिक्सचर करके एक सुपर सेट लगता है। ये चेन देख रहे हो असली है बट मंगनी है। मुड़ के खिलोगे लाल लग जानी खड़े कितने होना गेम लाल वास आया यार लगते। भाई आज अपने अबू बकर के भाई की शादी खा गया मुंडा ले नहीं रहा कम ऑन बॉय तू पूरा बंद भी नहीं किया सर जी एक प्लेट कढ़ो जरा तो मैं भी बना के बेचदा मेरे को की होंगे सदाकर एक प्लेट कढ़ी बिचो जरा कढ़ दे एक प्लेट बिचो ये अली भाई भी कर रहे तो देखते क्या बनता है ये 5 kg के साथ है। Oh my God, अली जी कलाई तो यार पैर ही मसला है मुंडा कबड्डी खेलता रहा मुंडा भुख मसला भुख मसला
चल चल शहजादा शहजादा हाँ जी अली भाई यार पंप हो गई तेरी कलाई अच्छे कैसे था असरा थे बहुत जबरदस्त एंड बोला जा रहा है थोड़ा थोड़ा गाली निकल लास्ट मील 200 ग्राम्स ऑफ वाइट राइस प्लस बारबेक्यू चिकन लेग पीस। तो इस मील में हमें मिल रही हैं टोटल 448 कैलोरीज, 42.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 13.1 ग्राम फैट एंड 36.6 ग्राम प्रोटीन, जो कि अच्छी अमाउंट है एक। और इसको इनटेक करने के बाद हमारा जो टोटल आज का बन जाता है उसमें हमारी जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो 364 है। तो उसके बाद हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है 177 कार्बोहाइड्रेट्स हमने अभी तक इनटेक किए हैं, 22 ग्राम फैट है, 142 ग्राम प्रोटीन इनटेक की है आज हमने, जो कि एक अच्छी कह सकते हैं कि अचीवमेंट है। तो इसे अगर अच्छी हो पाती तो वो भी इसे अच्छा था, बट बाकी सब चीज़ें फैट सोडियम कोलेस्ट्रोल ये चीज़ें भी आज काफ़ी मैनेज रही हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आज भी पूरे नहीं हैं, तो आई थिंक कि नींद सफ़र करेगी आज भी। बाय द वे इफ़ यू टॉक अबाउट दी फूड स्टेप्स, तो सिर्फ 6000 के राउंड अबाउट ही हो सके हैं, बाकी अभी 12 बजने वाले हैं, पोस्ट वर्कआउट भी हमारा लेट हो गया, अभी जल्दी से इसे इनटेक करेंगे, देन फिर इस व्लॉग को एंड करेंगे।